तैयारियां शुरू हो चुकी हैं पाती लिंगट की, और जो पाती लिंगट लगने वाला है उसको यहाँ पर लगेगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी ग्रामवासी कार्य करते हुए। बहुत खूबसूरत यहाँ पर डांस होता हुआ सभी ग्रामवासियों का। जा रहे हैं पाती लिंगट लेने, पाती लिंगट लेने जा रहे हैं सभी ग्रामवासी, एक एक करके अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं। तो गाइस पाती लिंगट आ चुका है यहाँ पर पंचायत घर पे, और देख सकते हैं यहाँ पर सभी ग्रामवासी के सहयोग से यहाँ पर आ चुके हैं पाती का लिंगट। और यहाँ पर जो पाती लिंगट है उस पर अब पाती और मक्के और फल फ्रूट बांधे जा रहे हैं, और अभी आपको दिखाएंगे पूरा आज का जो पाती का मेला है वो किस प्रकार से किया जाता है गांव में, और किस प्रकार का हमारा रीति रिवाज है वो आपको आज दिखाएंगे। और यहां पर देख सकते हैं पूरे ग्रामवासी लगे हुए हैं कांस बांधने पे और पाती बांधने पे, इस पाती के लिंगट पर ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर पाती लंगट को सजा रहे हैं और देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो आज पाती जो मेला होने जा रहा है उसमें जो ये पाती का लंगट है वो यहाँ पर लगाया जाएगा, देख सकते हैं। और ये पूरा पाती का जो लंगट है उसको सजा दिया गया है बहुत ही खूबसूरत फूलों द्वारा, और यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल और पाती लगाए गए हैं और मक्के भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर सभी ग्रामवासी पहुँच चुके हैं, अब कुछ ही देर में इसको अब खड़ा किया जाएगा, फिर आपको दिखाया जाएगा पूरा यह वीडियो। और ऊपर देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ ये पाती जो लिंगट होता है उसका लास्ट सिरा, और ये देख सकते हैं यहाँ पर गुब्बारों के द्वारा इसको सजा दिया गया है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं जो पाती लिंगट है वो पूरा अच्छे से सजा दिया गया है, यहाँ पर गुब्बारे देख सकते हैं, और अब यहाँ पर सभी भाई लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं इसमें इस पाती के लिंगट को सजाने में। अब देख सकते हैं यहाँ पर अब पाती लिंगट को उठाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी पर देख सकते हैं लिंगट लग चुका है, ये तो ऊपर सामने देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पाती का मेला जो होने जा रहा है मेरे गांव ग्राम बरसोली में। और देख सकते हैं यहां पर सभी ग्रामवासी इस पाती के लिंगट को यहां पर लगाते हुए, तो एक एक करके अपनी अपनी डंडियों को हटाते हुए सभी। अब धीरे धीरे मेले में रौनक आती हुई अब डांस करते हुए सभी ग्राम बरसल के ग्रामवासी और अपने भाई लोग, और देख सकते हैं आप बहुत ही मजा हुए पूरा इस पाती का मेला जो हो रहा है ग्राम बरसोली में, आप डांस करते हुए यहाँ पर। आसमान की ऊंचाई को छूता हुआ यह पाती का लिंगट जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं पाती लिंगट, और देख सकते हैं आज ग्राम बरसोली में हो रहा है पाती का मेला, और सभी डांस करते हुए झूमते हुए यहाँ पे सभी ग्रामवासी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत डांस करते हुए। आप दिखाते हैं आपको पूरा जो आज मेला होने जा रहा है ग्राम बरसोली में, इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर ग्राम सभा बरसोली द्वारा, और इधर देख सकते हैं महिलाएं भी आ चुकी हैं इस मेले को देखने के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामवासी यहाँ पर अभी सभी ग्रामवासी और क्षेत्रीय जनता यहाँ पर पहुँच चुकी है, और इधर देख सकते हैं पूरा आपको जिधर भी कैमरा दौड़ाएं उधर आपको लोग नजर आएंगे, और कुछ इस प्रकार के देख सकते हैं यहाँ पर नृत्य होता हुआ सभी देवी देवताओं का।
की छाप में नृत्य करते हुए हमारे देवी देवता यहाँ पर देख सकते हैं आप। अभी पाती का जो मेला है वो अपने चरम पर है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रीय जनता बहुत ही अत्यधिक संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई है और इस तरफ पूरा देख सकते हैं आप छत पूरे भरे हुए हैं और सामने की तरफ देखेंगे आप पूरा छत देख सकते हैं उधर उस तरफ और इस तरफ भी देख सकते हैं आप और सामने वाली छत में देख सकते हैं आप बहुत अत्यधिक संख्या में यहाँ पर क्षेत्रीय जनता इस पाती के मेले को देखने यहाँ पर पहुँची हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरे महिलाएं ज़्यादा अत्यधिक संख्या में यहाँ पर पहुँची हैं। तो आपके यहाँ भी इसी प्रकार के मेले होते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके वहाँ इस जो हमारे यहाँ पर लोकल भाषा में पाती कौतिक कहते हैं इसे और आपके यहाँ इस मेले को क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर चौमिन की दुकान जस्ट मेरे पीछे यहाँ पर खुली हुई है सजवान जी की तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चौमिन बन चुकी है और यहाँ पर कैशियर मनोज बंगलारी यहाँ पर देख सकते हैं आप गर्मा गर्म चौमिन देख सकते हैं आप सजवान जी की और यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर बहुत अत्यधिक संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक घंटे से इंतजार में है दीपक पहाड़ी ऑफिशियल यूट्यूबर भी यहाँ पर आ चुके हैं चौमिनों का आनंद लेने। एक घंटे तरफ भी खिलौने की दुकान आई हुई है और इधर तो अभी सभी देवी देवता अब अंदर की ओर प्रस्थान करते हुए अभी मिलन कार्यक्रम हो रहा है देख सकते हैं आप। मां
नंदा अपने ससुराल की ओर प्रस्थान करेगी, तो इसीलिए अब मिलन हो रहा है ग्रामवासियों से। तो यहाँ पर सभी को आशीर्वाद देते हुए देख सकते हैं आप। पावड़ी मिल रही है यहाँ पे और मिलन भी हो रहा है, देख सकते हैं आप। नंदा अपने ससुराल के लिए प्रस्थान करते हुए, और यहाँ पर देख सकते हैं आप। आप सभी ग्रामवासियों से विदाई लेते हुए मां नंदा। विदाई के क्षण और देख सकते हैं सभी सहेलियां मां नंदा की एक साथ। तो यहां पर देख सकते हैं अब मां नंदा शिवपाती लिंगट है उसमें चढ़ेगी और फिर सभी को आशीर्वाद देगी कि आप सभी खुश रहें, मैं अपने ससुराल जाती हूँ। तो वो आपको अभी दिखाते हैं वो दृश्य। लिंगट में चढ़ेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी ग्रामवासी के सहयोग से यह पाती का जो मेला है ये कराया जा रहा है ग्राम सभा भरसोली द्वारा, जिसमें बिरजिराण, भेड़गांव, भरसोली और फतेहपुर और देघाट बाजार आते हैं।
मेले का यहाँ पर समापन होने जा रहा है। वीडियो कैसी लग रही है? यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें इस वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर करें। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप पूरा देख सकते हैं आप पूरी इस पाती के मेले में आप अब इस पाती लिंगट को नीचे की ओर झुकाया जाएगा। अब हो चुका है गाइस पाती मेले का समापन और देख सकते हैं यहाँ पर और इस तरफ देख सकते हैं बहुत ही अत्यधिक यहाँ भीड़ भी है आज पाती के इस मेले में ग्राम सभा भरसोली। और ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सुहाना आज मौसम भी हुआ है, बहुत अत्यधिक संख्या में क्षेत्रीय जनता यहाँ पहुँची थी आज इस पाती के मेले पर। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।